नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। जालौन में हर घर नल हर घर जल योजना में घर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य। जालौन भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल हर घर जल के अंतर्गत 2024 तक घर घर पानी पहुँचाने का लक्ष्य है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन की सभी ब्लॉकों में ग्राम प्रधानों, सचिव, VDC, पंचायत सहायकों का जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण हो रहा है। इसी क्रम सोमवार को जालौन ब्लॉक के सभागार में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें जालौन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के ग्राम प्रधान, BDC, सचिव व पंचायत सहायकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण भाग लेने पहुँचे सभी लोगों का सबसे पहले सूफिया बानो द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया। उसके बाद मास्टर ट्रेनर किरण ने सभी को शुद्ध पानी की जांच करने के तरीके बताए, साथ ही पानी को बर्बाद होने से कैसे बचाए और कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। वही ट्रेनर मास्टर संतोष ने बताया कि हम सभी को पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पानी की बर्बाद ऐसे ही होती रही तो सभी को पानी की समस्या हो सकती है, इसलिए हम सभी को पानी को बचाना चाहिए। इस मौके पर प्रताप सिंह, VDC देवरी, हिम्मत सिंह कुशवाहा गायक पंचायत मित्र, जगत नारायण पटेल प्रधान भादवा, भगवती शरण प्रधान मारी, संजय सिंह सेंगर प्रधान गधेला समेत अन्य गांवों के प्रधान, सचिव, VDC, पंचायत सहायक मौजूद रहे। कैमरामैन बबीता के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। सर, आज ब्लॉक में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण हुआ है, क्या है ये? जल जीवन मिशन के तहत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें भारतवर्ष के हर ग्राम में पानी जल के माध्यम से, टोटी के माध्यम से हर ग्राम को, हर परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, जिससे हम लोगों को दूषित पेयजल से बचा जा सके और जो बरसात के मौसम में जो बैक्टीरिया बीमारियाँ हो जाती हैं उससे बचा जा सके। हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे बुंदेलखंड के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई हैं पेयजल से संबंधित, क्योंकि यहाँ बहुत पुरानी समस्या है पेयजल से, क्योंकि हमारे जनपद में अन्य जनपदों में बहुत पानी की समस्या है, जिससे हर घर नल जल योजना चलाकर जिससे सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके और हम लोग पानी का संचय भी कर सकें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पानी संचय रहेगा तो हमारा भविष्य भी उज्जवल रहेगा। बगैर जल के जीवन हमारा अधूरा है। जल जीवन के लिए, क्योंकि हमको जल की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि पीने योग्य जल हमको बहुत ही कम उपलब्ध हो रहा है, इसलिए हम शुद्ध पेयजल हमारे सरकार की, हमारे जनपद के माननीय मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह साहब के प्रयास से, जल शक्ति मंत्री जो इस जनपद को काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने, जो सलाह घाट पर हमारे इंटेक बैल बन रहे हैं, जिससे हमारा पूरा डकोर ब्लॉक पानी से कहीं कोई अछूता ना रह जाए। यहाँ पचनदा बांध पर भी बड़ा इंटेक बैल बनाया जा रहा है, जिससे जनपद के हर ग्राम में नल के माध्यम से हर घर को नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। ये शासन की पहली प्राथमिकता है कि हर घर को नल से कनेक्शन देकर शुद्ध जल पेयजल उपलब्ध कराया जाए और अशुद्धियाँ पेयजल से बचा जा सके। ये प्रशिक्षण हमारे जालौन विकास खंड के आए हुए ग्राम, निम्न गांवों से आए हुए ग्राम प्रधान सदस्यगण, BDC सदस्यगण, ग्राम सभा के सदस्यगण, रोजगार, सभी लोगों को आज इस पेयजल संरक्षण के बारे में शुद्ध पेयजल के लिए प्रशिक्षण दिया गया। उनको एक बैग, पेन, डायरी, किट भी प्रस्तुत की गई, सभी को बिल्कुल उपलब्ध कराया गया, सब लाभार्थियों को। और पेयजल पे ज़्यादा विशेष जोर दिया गया कि पेयजल भाई अच्छा पानी पीजिए, जिससे स्वस्थ रहें और इसमें बीमारियों से बचा जा सके बरसात के मौसम में, है जाए डायरिया, पेचिस जैसे अनेक बरसात के मौसम में बीमारियां हो जाती हैं, जो हमारे गांव में काफ़ी पैसा लोगों का बीमारियों में इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे बचा जा सके, शुद्ध पेयजल पिलाया जाए। सरकार की मंशा है कि हर गाँव अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, बढ़िया शुद्ध पेयजल रहे, लोग स्वस्थ रहें, अच्छा कार्य करें, और यही मंशा के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।